लाख तलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, पानी को बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। नमस्कार, मैं हूं आरजे काव्य और इस कोरोना क्राइसिस के दौरान ये बात 16 ने सच निकली है कि अगर हौसला है तो कुछ भी संभव है। और IGSTRF संजय गुंज्याल सर और उनकी टीम ने लगातार बार बार ये साबित करके दिखाया है। UPES presents Red FM पे एक पहाड़ी ऐसा भी, एक पहाड़ी ऐसा भी विद आरजे काव्य, विद आरजे काव्य। रोजी रोटी और नौकरी के लिए सदियों से लोग अपना घर बार छोड़ते रहे हैं और उत्तराखंड के सूने पड़े गांव इस बात की गवाही दशकों से दे रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक दिन इंसानी जिंदगी में कोरोना वायरस दस्तक देगा और लोग उल्टे पांव अपने गांव घर लौटने को मजबूर हो जाएंगे। पर लॉकडाउन की बंदिशों के चलते घर वापसी का सपना धुंधला होने लगा। दिल्ली, मुंबई, सूरत, बैंगलोर, कोटा, कोलकाता, गैंगटॉक, चारों दिशाओं में देश के कोने कोने से लोग सरकार से अपील करने लगे कि जैसे भी हो जाए वापस देवभूमि उन्हें लाया जाए। कोरोना इन्फेक्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सबको सुरक्षित लाना अपने आप में इतना चैलेंजिंग काम था कि इसके लिए एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी चाहिए थी। तब इसकी जिम्मेदारी मिली SDRF के IG संजय गुंज्याल सर को। अब सिलसिला शुरू हुआ दूसरे राज्यों से कम्युनिकेट करके वहां फंसे लोगों को उत्तराखंड लाने का। रेलवे की हेल्प से स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाने लगी और जहां जरूरत पड़ी वहां बसें भेजी गई। सबसे पहले कोटा, राजस्थान में फंसे स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया गया, फिर यूपी, बंगाल, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली NCR, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के रिमोट एरियाज तक से लोगों को लाया जाने लगा। दूसरी तरफ उत्तराखंड के अंदर फंसे लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए भी संजय गुंज्याल सर ने अपनी टीम लगा दी। लॉकडाउन में 45 दिनों तक लगभग 80,000 लोगों को कई NGOs और लोगों की मदद से हर रोज पका हुआ खाना खिलाया गया, लेकिन जो लोग इस काम में जुटे हुए थे उनकी सेफ्टी भी एक बड़ा इशू था। इसीलिए संजय सर ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे लोग, एसेंशियल सर्विस, बिजली पानी की सर्विस देने वाले और दूसरे सरकारी ऑफिसर्स जिनको कोरोना की ड्यूटी मिली थी, ऐसे 30,000 लोगों की ट्रेनिंग करवाई। उत्तराखंड के लोकल लोगों के साथ साथ जब बाहर के राज्यों से लौट रहे लोगों में कोरोना इन्फेक्शन मिलने लगा तब सभी को क्वारंटीन किया जाने लगा। COVID-19 की इस आपदा से निपटने के लिए क्वारंटीन हुए लोगों की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी भी SDRF को मिल गई। स्पेशल ट्रेन चलवाकर लोगों को वापस लाने की बातें जैसे जैसे लोगों को पता चली, बड़े पैमाने पे लोग स्टेट गवर्नमेंट से हेल्प मांगने लगे। इसीलिए संजय गुंज्याल सर ने अपनी टीम को कहकर एक कंट्रोल रूम बनवाया जिससे 90,000 से ज्यादा लोगों की क्वेरीज हैंडल की गई और SMS के जरिए लगातार अपडेट्स भेजे गए। अनलॉक 1 और 2 आते आते लगभग 3 लाख प्रवासी लोग उत्तराखंड लौट चुके हैं। लॉकडाउन में 80,000 से ज्यादा लोगों को भूख से परेशान नहीं होना पड़ा और 90,000 से ज्यादा लोगों को सही वक्त पे सही जानकारी पहुंचाई गई। ये सारी चीजें इसीलिए मुमकिन हुई क्योंकि SDRF की पूरी टीम ने दिन रात एक करके जी तोड़ मेहनत की। इन्हीं कोशिशों का ये रिजल्ट निकल कर आया कि देवभूमि लौट कर आज लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। जिंदगी में इतनी सारी चीजें अचीव करने के बावजूद भी संजय गुंज्याल सर इतने काम, कंपोज्ड और कूल कैसे रहते हैं? एक दफे जब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि काव्य, ये शायद हम पहाड़ वालों की खासियत है कि हम जानते हैं कि कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना और पहाड़ चढ़ना एक समान होता है। उस पर तन कर चढ़ोगे तो गिर जाओगे, झुक कर चलिए जिंदगी में आगे बढ़ते जाओगे। और इस तरह की बातें जब वो करते हैं तो वाकई दिल जीत लेते हैं। तो अगर आपके आसपास भी है कोई ऐसी ही कहानी तो मुझे जरूर से भेजेगा मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। मेरा नाम है काव्य और ये है एक पहाड़ी ऐसा भी। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेर हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेर पहाड़ा। प्रेजेंटेड बाय UPES यूनिवर्सिटी विद अ पर्पस। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।